सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच कितनी प्यारी अरदास है कर्महीन नेक कर्मों से हीनी हूं मैं मेरा कोई नेक कर्म नहीं हे वाहिगुरु पर मुझे तेरा आसरा है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कर्महीन धन करे बेनंती मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर बेनती करती हूं क्या एक देवो रात मुरारी सब सुहागण माने रलिया यहाँ पर उदाहरण दिया है सुहागण का अपने पति के साथ रात गुजारने का पति का है परमेश्वर को सुहागण का है संतों को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि सारे संत कमाई वाले महापुरुष प्रभु के साथ मिलकर आनंद मान रहे हैं नाम का रस ले रहे हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हे गुरु नानक मेरा वो रात कब आएगी मेरे जीवन में जैसे बाबा नंद सिंह जी नाम दे रसिए बाबा नंद सिंह जी बाबा कुंदन सिंह जी बाबा ईश्वर सिंह जी संत अतर सिंह जी मस्त आने वाले नाम का रस पीते थे रात को गुरु के चरणों से जुड़कर गुरु नानक से मिलकर हमारे जीवन में वो रात कब आएगी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये रात मांगी है भाव मिलाप मांगा है कई जन्मों से बिछड़े हैं युगों से बिछड़े हैं एक रात मांगिए कम से कम एक रात दे दी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक एक देवो रात मुरारी एक बार तो मिला दे एक बार तो रस आ जाए जो रस संत मानते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सब सुहागण माने रलिया 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 कर्महीन तन करे बेनंती कर्महीन तन करे बेनंती कर्महीन तन करे बेनंती कर्महीन तन करे बेनंती एक देवो रात मुरारी एक देवो रात देवो रात मुरारी एक देवो रात मुरारी फिरत बहुते
नानक कहे मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सिमरत सिमरत कहाँ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु, धन गुरु। फिरत फिरत बहुते जुग हारे हो, वाणी कह रही है। नौवें गुरु नानक श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, बहुते जुग हारे हो, कई जुगों से बिछड़े हुए हैं। और यहां पर मामला पूरा उल्टा है। होता क्या है, घरवाली देश में होती, पति परदेश में होता है। यहां पर उल्टा है, पति देश में है, हम परदेश में है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, लौटना हमें है अपने देश। देश क्या है, पति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता क्या है, नाम। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते क्यों नहीं इस रास्ते पे चलता, रास्ता क्या है, नानक कहते मिलन की बरिया, ये तेरे मिलने का समय है। 84 लाख जोनिया भुगतने के बाद ये शरीर मिला है, ये समय है मिलने का। सिमरता क्यों नहीं, सिमरत कहा नहीं, क्यों नहीं जपता नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मिलने का रास्ता एक ही है, नाम नाम नाम, बस नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेंती बेंती, नाम के साथ साथ बेंती, क्योंकि नाम रास्ता तो है, मंजिल नहीं, मंजिल गुरु प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम इसलिए जपना है क्योंकि गुरु का हुक्म है, कितना भी जप ले, दुनिया के सारे पदार्थ नाम से पाए जा सकते हैं, गुरु नानक नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो केवल उसकी कृपा उसके तरस से मिलेगा। तरस कब आएगा, जब जपेंगे नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए बेनती है, कद नानक आवे कद नानक आवे वारी, कद नानक आवे वारी, कद 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 नानक वाहगुरु, 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 वा
Oh,
एक बात को थोड़ा सा समझना होगा यहाँ पर। अगर संतों महापुरुषों का जीवन पढ़ेंगे ना, जिन्होंने पहले घाल ना घाली, मेहनत की, नाम जपा, तो मिलने से पहले एक अवस्था आती है, तब जाके मिलाप होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो हमारी दूर दूर तक नहीं है, पर पाना है इसे, इसे पाना पड़ेगा। गुरु नानक की मेहर से पालेंगे, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम नहीं कर सकते। गुरु नानक की मेहर हो जाए, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, बड़े कीमती वचन है, मुझे सबसे प्यारा वचन बाबा नंद सिंह जी का ये लगता है कि गुरु नानक मेहर करे ता की नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता अगर वो मेहर कर दे तो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपनी बुद्धि हार जाए ना, अपनी मत हार जाए, इम्पॉसिबल दिखाई दे कुछ, तब ये पंक्तियां याद कर लिया। गुरु नानक अगर मेहर कर दे तो जो थर्ड स्टेज का कैंसर भी होता है ना, वो भी रिपोर्ट से गायब हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनहोनी होनी में बदल जाती है, होनी अनहोनी में बदल जाती है अगर उसकी मेहर हो जाती है। उसकी मेहर के सदके हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। सारे संतों महापुरुषों के जीवन की दास बात कर रहा है। प्राप्ति से पहले एक अवस्था आती है, वो कौन सी अवस्था है? ये वाली जो दास एक घटना सुनाने जा रहे हैं। एक सूफी संत का नाम है सत्तार फकीर। बिहार से बोलिए धन गुरंग, सॉरी सत्तार नहीं, इसका नाम है अतार, क्योंकि सत्तार फकीर भी हुए हैं एक, इनका नाम आया अतार फकीर। इनके जीवन से घटना मिलती है बड़ी प्यारी। इनकी बंदगी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, सिवाय बंदगी के कुछ नहीं सोचता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारा जीवन बंदगी में निकाल दिया। कई तरह की अवस्थाओं से आदमी गुजरता है, पर आज कौन सी अवस्था में खड़े हैं? फरिश्ते आ गए, फरिश्ते आके सामने खड़े हो गए कि मांगो, क्या मांगते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये घटना बाबा नंद सिंह जी के जीवन में भी आई, हर महापुरुष के जीवन में ये समय आता है और इसके बाद ही मिलाप होता है। कहने लगे मांगो, क्या मांगते हो? जो चाहे हम आपको देंगे, आपकी बंदगी से हम बहुत प्रभावित हैं, खुदा ने हमें कहा है जाओ, ये जो मांगता है इसे दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अतार कहने लगा, अतार फकीर कहने लगे, भाई मैं आपसे कुछ बात कहूंगा, बुरा मत मानना। फरिश्ते कहने लगे, नहीं हम बुरा नहीं मानेंगे, आप बताइए। कहने लगे, चले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे, क्यों क्यों जाने के लिए कह रहे हो? क्योंकि लोग तो तरसते, हम आए, कह रहे हैं जो चाहे मांग लो। अतार फिर कहने लगे, जो मुझे चाहिए ना, आप दे नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरिश्ते बड़े हैरान हुए, शर्मिंदा भी हुए, और बड़े उनके ईगो को चोट भी लगी कि हम कौन सी चीज है जो हम नहीं दे सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हम खुदा के फरिश्ते हैं, आप जो मांगोगे तत्काल आपको मिल जाएगा। इस सृष्टि का राज्य चाहिए, शक्तियां चाहिए, जो चाहिए मांग लो। अतार कह लेगा, मैंने आपसे कहा ना, आप मेरी डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप चले जाओ, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता कि आप मुझे वो दे ना पाओ जो मैं चाहता हूँ। फरिश्ते कहने लगे, ये तो हद हो गई, अब मांगो तो सही, हम ऐसे कैसे चले जाएं, हमें कैसे पता आप क्या मांग रहे हो जो हम नहीं दे सकते। तो अतार कहने लगा, फिर सुनो फरिश्तो, अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मैं ये मांगता हूँ आपसे कि मुझे ये दे दो कि आज के बाद मेरी मांग ही खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी मांगने की इच्छा खत्म कर दो कि मुझे कुछ चाहिए। फरिश्ते सुनकर हैरान हो गए कि आज तक ऐसा किसी ने नहीं मांगा, हाथ जोड़ दिए, कहने लगे ये हमारे बस में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि इंसान जीता ही इच्छाओं पर है, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। मरते वक्त भी आदमी से पूछा जाता है तेरी आखिरी इच्छा क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लिस्ट होती है इच्छाओं की, और जब भूत भट के भटकता है इच्छाएं बाकी रह जाती है तो भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
इंसान मर जाता है इसकी इच्छा नहीं मरती, और इच्छा ही कारण है वापस जन्म लेने का, इच्छा बाकी रह गई है पूरी कर ले। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक का, वो कहने लगे ये हमारे बस में नहीं। तो अवतार कहने लगा इसीलिए मैंने कहा था आप लोग चले जाओ, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जब अवस्था आती है ना मन की कि अब कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद फिर वो निरंकार मिलता है। हम मांग तो रहे हैं कि निरंकार से प्राप्ति हो जाए, मेल हो जाए, पर हमारी मिलने के पीछे भी इच्छाएं हैं। मिलेगा तो ये मांगेंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तो कहां से मिलेगा? ये सीढ़ी है, ए रात पत पौड़िया चढ़िया हुए 21। इसलिए जमजी साहब जी की 40 पौड़िया है ना, कोई 38 कहता है, कोई 40 कहता है, ये पौड़िया है। पौड़िया कहते हैं सीढ़ी को, एक एक स्टेप, एक एक जो पढ़ते हो आप अगर ध्यान से विचार करेंगे तो एक एक स्टेप है जीवन का, उसको मिलने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 40 स्टेप्स हैं, उनमें ये एक स्टेप आता है, इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। क्यों? उसके बाद ये मिलता है ना, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। फिर कौन सी वाणी की पंक्तियां श्रवण कीजिए, कमाल की है। सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा, सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपारा, अगम अपारा, अगम अपारा, अगम अपारा, अगम अपारा। अभी पाया भी नहीं है, केवल प्यास जाग जाए उसे पाने की, इच्छाएं खत्म हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसे पाने की जो प्यास है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा आनंददायक है ये प्यास, कि दुनिया की सारी इच्छाएं इसके सामने, सारे पदार्थ फीके लगते हैं। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, किसी को तो कहा है। करम हीन तन करे विनंती, कर नानक आवे वारे, कद नानक आवे वारे, कद नानक आवे वारे, कद नानक आवे वारे। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे, आके खड़ी हो गई ना। बाबा नंद सिंह जी ने आंख खोली, भाई कौन हो आप? कहने लगे रिद्धियां सिद्धियां। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो चाहिए मांग लो। बाबा नंद सिंह जी दौड़ पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महार नाम सिंह जी के पास, अपने मुर्शिद के पास, कहने लगे भाई रात को नित्यनेम कर रहा था अमृत वेले, ये आकर खड़ी हो गई। बाबा महार नाम सिंह जी कहने लगे और क्या चाहिए, इनके पीछे तो सारी दुनिया भागती है, लोग तप करते हैं, शीले काटते हैं कि कोई शक्ति मिल जाए फिर दुनिया को बस में कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप देखते ही हो टीवी पर, बात जान लेते हैं, लिख लेते हैं, दुनिया पीछे लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दुनिया को यही चाहिए, लोगों को यही चाहिए, कोई शक्ति मिल जाए दुनिया पीछे पड़ जाए। और बाबा नंद सिंह जी की अवस्था देखिए, कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। कहने लगे क्या चाहिए? कहने लगे शक्तियों का मालिक गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, शक्तियां नहीं, शक्तियों का मालिक चाहिए, गुरु नानक चाहिए, इन्हें अपने चरणों में रखो, मुझे गुरु नानक से मिला दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग दिखाते हैं ना कि हमारे पास शक्तियां हैं, वाणी कहती है संतों का जीवन पढ़ो, अगर शक्ति आ जाए तो वो छिपाते हैं। बाबा मार राम सिंह जी सबकी झोली भर के आखिर में एक बात कहते थे, दांत देकर अगर किसी को बताया मेरा नाम कि यहां से मिला है, मैंने दी है, तो ये खत्म हो जाएगी, तेरी दांत खत्म हो जाएगी, मेरा नाम मत लेना क्योंकि लाइनें लग जाएंगी लोगों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पूर्ण संत कभी नहीं चाहता उसके पास लाइनें लगे, वो भागता है लोगों से। ये पहचान है पूर्ण संतों महापुरुषों की,
वो दिखावा नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन हर पाया तिने छपाया, दिखाया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब सुहागण माने रनिया, सब सुहागण माने रब की श्याम, प्रभु के शरण में थक कर आ गई हो, थक कर भटक भटक कर चोटे खा कर थक थक कर आई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किरत कर्म के बिछड़े, किरत कहते हैं कमाई को, अपनी की हुई कमाई, कर्म अपने बुरे कर्मों की कमाई के वजह से मैं तुझसे बिछड़ा हूं वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर कृपा मेलो रम, अब तू कृपा कर तो ही मिलाप हो सकता है, मेरी समर्था नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने की हुई कमाई से मैं तुझसे बिछड़ा हूं। कमाई किस चीज की? बुरे कर्मों की। अब यहां पर एक बहुत प्यारा जवाब है इसका, अगर बुरे कर्मों की वजह से बिछड़े हैं तो मिलाप कैसे होगा? नेक कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बुरे कर्मों से दूर हुए, नेक कर्मों से प्राप्त कर लेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या प्राप्त होगा? उसकी कृपा। कार्य कृपा मेलो राम, तू कृपा कर तो मिलाप होगा। चार कुंट दह दिस प्रमे, चारों दिशाओं से दसों दिशाओं से घूम घूम कर मैं तेरे चरणों में आया, तेरी शरण में आया। थक आई प्रभ की श्याम, थक कर तेरे चरणों में आयो को अच्छा तरस कर, तरस कर। किरत करम के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम, कृपा मेलो राम। किरत करम के बिछड़े, कर कृपा मेलो राम, कृपा मेलो राम।
कृत करम के कर कृपा मेरो।
प्यार से बोलिए धन गुरु धन गुरु। साथ साथ में शब्द को समझ लेते हैं। तेन दूध है ते बाहरी कित न आवे काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने सड़कों पर गायों को भटकते देखा होगा। वो कौन सी गायें होती हैं जो दूध नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूध देने वाली गाय हो कोई नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौशाला का मतलब क्या होता है? वहां पर उन गायों को स्थान देना होता है जो दूध नहीं देती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जख्मी हो ऐसे बैल जो बूढ़े हो गए हो उनके लिए होती है गौशाला। पर आज हो क्या रहा है सबको पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर हम अपने टॉपिक पे आए वो फिर बात ही अलग हो जाती है। तेन दुधैते बाहरी कितना आवे काम। जो गाय दूध ना दे वो किसी काम की नहीं। बादशाह समझा रहे हैं जो इंसान नाम ना जपे किसी काम का नहीं। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। गाय की कीमत दूध से है तेरी कीमत नाम से है। अगर नाम नहीं है ठोकरे खाएगा भटकेगा दर दर उस गाय के जैसे जो दूध नहीं दे पाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। बिना जल के खेत सूख जाते हैं उस फसल का दाम ही नहीं मिलता। व्यर्थ चली जाती है वह सफल फसल अगर उग रही हो पर पानी ना मिले उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तेरे जीवन में नाम नहीं तेरे भी कीमत नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बार बार पॉइंट क्या आ रहा है? किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। हे वाहेगुरु कृपा कर मुझे मिल। मैं बिछड़ा हुआ हूँ कई जन्मों से अपने बुरे कर्मों के कारण। तो पाछा समझा रहे तो फिर नाम क्यों नहीं जपता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर पॉइंट में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के हर पॉइंट में बात आती है नाम की। सारे शास्त्र वेद विचार लो बात आती है नाम की। नाम 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 बस नाम। मिलाप करना है तो नेक कर्म करने होंगे। और बाबा नंद सिंह जी के वचन हजारों करोड़ों नेक कर्म एक तरफ रख लो भूखे को खिला दो नंगे का तन ढक दो कपड़े बांट दो अपने आप को बेच कर किसी का भला कर दो वो सारे पुण्य एक तरफ। अमृत वेले उठ के नाम जपना एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे नेक कर्म है नाम जपना क्योंकि ये अपने आत्मा को भोजन खिलाने जैसा है। आत्मा को बलवान करना है क्योंकि अगर आत्मा बलवान हो गई मिलाप कर लेगी यही शरीर जो आज हाथ फैलाकर मांगता है लोगों से वो देने वाला बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मिलो राम। किरत कर्म के कत पाइए बिसरा कत पाइए बिसरा। हर नाह न मिलिए साजने कत पाइए बिसरा।
हर नाह ना मिलिए साज ने कत पाइए बिसराव, हर नाह ना मिलिए साज ने। पतिव्रता स्त्री हो, पति का संग ना मिले, उसे किसी चीज में आनंद नहीं आ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसका उदाहरण देकर समझाया है। हर नाह ना मिलिए साज ने कत पाइए विश्राम। विश्राम किसे कहते हैं? सुख, आराम। बिना पति के प्राप्ति के तुझे आराम कैसे आ सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नहीं आ सकता। बिना गुरु नानक को मिले आराम नहीं आ सकता। कबीर जी कहते हैं ना, कबीर केसो केसो कुकिए, ना सोये आसार, रात दिवस के कूकने कबू के सुने पुकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते मैं तो सो नहीं पा रहा, केसो 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 का केशव को, कृष्ण जी का नाम लेके कहे निरंकार को, पुस्तक किए। कबीर केसो केसो कूकिए, ना सोये आसार, दिन रात में कूक रहा हूं बिना सोए, विश्राम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात दिवस के कूकने कबू के सुने के पुकार, के पता नहीं कब पुकार सुन ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई बार मैं दिन में बैठे मुस्कुरा रहा होता हूँ कि टॉपिक तो ले लिया है दर्शनों का, प्राप्ति का, पर ऐसा लगता है प्यास किसी को है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा मैं सबके लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि संगत में पता नहीं कौन सी अवस्था वाले कहाँ बैठे हैं, ये मैं सबके लिए नहीं कह सकता। हम अपनी बात करें, ज्यादातर कहाँ है प्यास, सुन रहे हैं, रस ले रहे हैं बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बातें भक्तों की अवस्थाओं की, ये बातें उन लोगों के लिए हैं जो सच में पाना चाहते हैं। सच में पाना किसे कहते हैं? उनके जीवन से फिर दिखाई दे जाता है कि उनका जीवन शैली कैसी है। वो सामान इकट्ठा करने में लगे कि त्यागने में लगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार कैसे है, सोच कैसी है, जिन्हें पाना होता है उनकी आंखों में नूर होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यास होती है, बाहर से मुस्कुराएंगे भीतर से रो रहे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें लोगों से बात करने में आनंद नहीं आएगा, दूर होंगे लोगों से, ज्यादा मित्र नहीं बनाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जीवन शैली होती है, जीवन में दिखाई देते हैं वो पहलू, अगर प्यास जाग जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जित कर हर कंत न प्रगटई, पाठ नगर से ग्राम। भट का है भट्टी को, जिसमें बेकरी में बन बनते हैं, ईटे बनती है भट्टी। जिस घर में भाव, जिस हृदय में प्रभु का वास नहीं है, किस बात का सुख? वो तो ऐसे है जैसे भट्टी जल रही हो। भट नगर से ग्राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आग में जल रहा हो मन, तप रहा हो मन, क्योंकि मिलाप की प्यास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जित कर हर कंत ना प्रगट, पठ नगर से नगर से।
पाठ नगर से ग्राम कीर्त करम सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम सुहागन हो पतिव्रता स्त्री हो सोला सिंगार करके बैठी हो पर अगर पति ध्यान ही ना दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक किस काम का वो सिंगार प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पति तारीफ ही ना करे पति ध्यान ही ना दे पति प्रेम ही ना करे किस काम का वो श्रृंगार पाचा ये उदाहरण देके समझा रहे अगर तेरे भीतर तू सारे काम करता है कितना भी अच्छा बन जाए पर अगर नाम नहीं जपता गुरु नानक प्रेम नहीं करेगा मैं हर से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कितने भी नेक काम कर अमृत लोट के नाम नहीं जपेगा गुरु नानक प्रेम नहीं करेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक प्रभु स्वामी कंत विहूणिया मीत सज्जन सब जाम ये मन की अवस्था है जब पति ही पास नहीं तो चाहे कितने भी लोग हो सब दुश्मन दिखाई देते हैं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक मीत सज्जन सब जाम दुश्मन सब शत्रु दिखाई देते हैं अगर पति पास नहीं है तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु नानक पास नहीं है सब कुछ मिलिया तू नहीं मिलिया तू नहीं मिलिया कुछ नहीं मिलिया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये बेनती है बाबा नाथ सिंह जी इसलिए धारणा प्रवाह करते शब्द है कीर्त कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम
के अपने किए हुए बुरे कर्मों की वजह से मैं तुझसे बिछड़ा हूं। इसलिए बाबा नानक सिंह जी धारणा पढ़वाया करते थे, खोटे अकर्मा खोटे अकर्मा करके विछड़े तेरे चरणा तो, कृपा करके मेलो बाबा जी। खोटे अकर्मा करके विछड़े तेरे चरणा तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। करके मिलो बाबा जी, छोटिया कर्मा करके छड़े तेरे चरणों तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। कृपा करके जी मिलो बाबा जी, कृपा करके जी मिलो बाबा जी, कृपा करके कृपा करके मिलो बाबा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नारायण, धन गुरु नारायण। खोटिया कर्मा करके विछड़िया तेरे चरना तो, कृपा करके मिलो बाबा जी। अरदास कृपा विनम्रता। ये पॉइंट हम बहुत बहुत बार समझ चुके हैं कि चाहे कितना भी जप लें, कितना भी तप कर लें, अपनी मेहनत कर लें, मिलेगा तो तब जब ढह पड़ेंगे भीतर से, बाहर से नहीं। और भीतर से अरदास निकलेगी ना कि पाछा मैं नहीं तुझे पा सकता, अब तू ही आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तब मिलता है ये विनम्रता। क्योंकि गुरु नानक पाशाह के वचन लिखे हुए हैं ना, जिस अरदास में विनम्रता हो और भरोसा हो वो अरदास जरूर पूरी होती है। मैं हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी अरदास में ना विनम्रता है ना भरोसा है, और विनम्रता तो बहुत बड़ी शर्त है, पहली शर्त है, पहली। इस बात को समझना होगा। सब पंक्तियां श्रवण कीजिए, बड़ी कमाल की पंक्तियां हैं। कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दस में पाए, मन तो मैगल हो रहा, निक्षा क्यों कर जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर मुक्त द्वारा संकुड़ा, राई दस में पाए। प्रभु को पाने का जो दरवाजा है, जहां से भीतर से गुजरना है, वो इतना छोटा है। कबीर जी कह रहे हैं राई का दाना होता है ना, उसका दसवां हिस्सा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राय के दाने का दसवां हिस्सा, ये प्रमाण दिया कबीर जी ने समझाने के लिए हम जैसे मूर्खों को, कि प्रभु को पाने तो तुझे इतना छोटा होना पड़ेगा, इतनी विनम्रता लानी पड़ेगी, अपने आप को इतना छोटा बनाना पड़ेगा। बहुत प्यारा शब्द है ना, मन ज्यों अपने ब्रह्म भावों। सवाल पूछा है क्या करूं कि अपने प्रभु को भा जाऊं मैं,
उसे अच्छा लगो। नीच हो नीच, नीच अत नाना होए गरीब बुलाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जो नीच होते हैं उनके, जो नीचे नीच होते हैं उनके, नीचों का दास बन जा, इतना छोटा बन जा तो प्रभु को अच्छा लगेगा। तो बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम ऊंचे से ऊंचा बनना चाहते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी क्या समझा रहे हैं, कबीर मुकत द्वारा संकुड़ा राई दसवें भाई। राय का दसवां हिस्सा, इतना बारीक दरवाजा है जहां से गुजरना तुझे प्रभु को पाने के लिए। पर तू क्या है, मन तो मैगल होए रहा। मैगल का है हाथी को, और तू बना पड़ा है हाथी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए, कैसे उसमें से गुजरेगा। राय का दाना ही नहीं, राय के दाने का दसवां हिस्सा, और हाथी वहां से कैसे गुजरेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव अगर हमने ये गिनती मिनती की अरदास कर दी ना, इतने पाठ किए, इतनी सेवा किए पाचा, ये काम कर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, या मिल ले, ये तो अहंकार होगा कि मैंने पाठ किया है। नहीं, तूने करवाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बोलने के लिए नहीं कहना है, भीतर में चल रहा हो कि नहीं मैंने किया है, सारी बात भीतर की है। मन इतना छोटा हो जाए कि मैं सच में करने लायक कुछ नहीं पाचा, ये तो तेरा तरस है। गुरु रामदास जी देखो ना, सृष्टि के मालिक होते भी क्या कह रहे हैं, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम था पे, मैं तो कीड़ा था, गंदी नाली का कीड़ा। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि गुरु अमरदास जी की वड्याई कि मुझे थाप दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सतगुरु संग हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन को कहां रखा है, सृष्टि के मालिक है और अपने आप को कीड़ा कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु को पाना है विनम्रता, निम्रता, गरीबी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेलो रा, कर कृपा मेलो रा। किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेलो रा,
चार कुंड दे दिस क्रम ने चार कुंड दे दिस क्रम ने जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम
शिव जी सदा
जय गुरु जी की। मंगल चा